नमस्कार, इनखबर में आपका स्वागत है। 2024 के आम चुनाव से पहले जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक हलचल तेज हुई है और रणनीति बनाने में दोनों पक्ष जुटे हुए हैं, उसमें जो पहला दौर था वो विपक्ष के नाम था और अब जो है बारी बीजेपी की है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में ऐसा खेल किया एनसीपी को तोड़ करके कि अब विपक्ष घबराया हुआ सा दिख रहा है। बेशक लालू यादव दहाड़ रहे हैं, हम एक हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन अब जो खबर आ रही है महाराष्ट्र से सटे दूसरे राज्य यानी कर्नाटक से, वहां पर भी हलचल तेज हो गई है। अभी मई में ही तो चुनाव हुआ था वहां पे, जहां पे कांग्रेस को 135 सीटों के साथ बम्पर मेजोरिटी मिली। बीजेपी 66 सीटों पे सिमट गई और जेडीएस 19 सीटों पे आ गई। अब उन्हीं की तरफ से बयान आता है। सबसे पहले जेडीएस नेता कुमार स्वामी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनका बयान आया कि महाराष्ट्र जैसी घटना कर्नाटक में भी हो सकती है। ये 3 जुलाई का बयान आता है। अब बीजेपी के नए वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा ने उनकी बात का समर्थन कर दिया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किस आधार पर कहा जा रहा है। वहां पर तो कांग्रेस के पास बंपर मेजोरिटी है, फिर कैसे ये कर लेंगे खेल। तो आपको बता दें कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री के कई दावेदार हो जाते हैं। कर्नाटक में जो अभी जीत मिली है, इसमें सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में द्वंद्व चला था, ये सबने देखा था। अल्टीमेटली डीके शिवकुमार, जो कि 10 जनपद के नजदीकी माने जाते हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर किसी तरीके से मान गए। कहा तो ये भी जाता है कि ढाई ढाई साल का फार्मूला कर्नाटक के लिए भी तैयार किया गया, ये बात अलग है कि उसे पब्लिक नहीं किया गया। अब उसी डीके शिवकुमार को इशारों में जो है कुमार स्वामी और येदुरप्पा सेंटर में ले आ रहे हैं, केंद्र में ले आ रहे हैं कि यहाँ भी हैं न जाने कितने अजीत पवार। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं और वो दूसरी बार बगावत किए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। लिहाजा शिव कुमार पे इनकी नज़रें गड़ गई है। दमदार नेता है, ईडी का केस उनके खिलाफ भी चल रहा है, लंबे समय तक वो जेल में भी रहे हैं। जैसे ही उनकी बातों का समर्थन किया वैसे ही हलचल बढ़ी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी इंतजार करना होगा, जल्दीबाजी में नहीं, या तो दिसंबर तक या लोकसभा चुनाव के बाद। अब क्या है कि अक्सर ये बहस होती है कि ये जो मौजूदा दौर की राजनीति है, इसमें नीति सिद्धांत और नैतिकता कितनी मायने रखती है। यूं तो सत्ता के लिए इतिहास गवाह है कि न जाने कितने खून बहे और बेटा ही बाप का हो गया, बन गया बैरी, और जिस किसी ने जीते जी सत्ता देने की गलती की वो फिर बाद में पछताया। भारत की राजनीति में कई राज्य, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्य इसके उदाहरण है। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कर्नाटक में भी बीजेपी खेल कर देगी। एक तो होता है कि पब्लिक के बीच में जाइए और वोट पाइए, सरकार बनाइए। दूसरा ये है कि यदि उस तरीके से सत्ता नहीं ले पाए तो फिर जो है उसमें गिमिक कर दीजिए, खेल कर दीजिए, और इस खेल में जो भी शामिल होता है, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कोई यूं ही खाली हाथ नहीं रहना चाहता, बड़ी मेहनत से चुनाव जीत करके आता है, पैसा खर्च करता है, लिया जब वो क्यों ना कुछ हासिल करना चाहेगा। और उसका जो तरीका निकला है वो आपने महाराष्ट्र में भी देखा, इसके पहले अन्य कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हो चुकी। कर्नाटक वो राज्य है जहां पे कि कुमार स्वामी की सरकार गिर गई थी और फिर क्या हुआ था कि वहां पे बीजेपी की सरकार बन गई, और अब जो है एक बार फिर वैसी ही स्थितियां बनती हुई या माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि राजनीति में माइंड गेम भी बहुत मायने रखता है। तो ये कहीं माइंड गेम है या वास्तव में धरातल पे काम हो रहा है, तैयारी हो रही है। क्योंकि एक बात कहा जा रहा था, जब विपक्ष जुट रहा था तब ये कहा जा रहा था कि जो मोदी और शाह की जोड़ी है ये चुप बैठने वाली नहीं है, विपक्ष को करारा जवाब देगी। जैसे ही पीएम मोदी अमेरिका से लौट करके आए, सीधे सीधे उन्होंने भोपाल के कार्यक्रम में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। जितने क्षेत्रीय छत्रप है उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचार की का गठबंधन है, और लालू यादव को इशारों में आड़े हाथों लिया, क्योंकि लालू यादव को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है कि वही पर्दे के पीछे से रणनीति बना रहे हैं, वही सब कुछ महाजुटान करा रहे हैं। तो पीएम मोदी ने वार किया, इसके बाद महाराष्ट्र का खेल हुआ, कर्नाटक को लेकर के बयान आया। अभी देखते रहिए कि आगे आगे होता है क्या। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।